नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, हमारे बैंकर साथियों को माह मई 24 की सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो गई होगी, लेकिन पिछले 50 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है, लग रहा है उसके पहले के बारे में मैं नहीं बता सकता, कि बिना रिवाइज्ड डीए के, बिना न्यू डीए के आपको सैलरी मिली। आपको पता है कि हमारे बैंकर साथियों को का डीए मई माह में रिवाइज होता है, यानी कि हर 3 महीने पे, जो मई 24 में ड्यू था, और मई 24 में नया डीए लागू होता और अकॉर्डिंगली उसको सैलरी मिलती। लेकिन पिछले दिनों से लेबर ब्यूरो ने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर डिक्लेयर नहीं किया। जनवरी 24 में सीपीआई इंडेक्स डिक्लेयर हुआ था, फरवरी 24 और मार्च 24 का ये फिगर अनाउंस नहीं किया गया। अब ऐसे में स्थिति क्या बनती है कि जब तक हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च का डीए, तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास सीपीआई इंडेक्स अवेलेबल हो। ऐसी स्थिति में बैंक ने बिना रिवाइज डीए के सैलरी क्रेडिट कर दिया। नियमानुसार ये लेबर ब्यूरो को डिक्लेयर करना चाहिए था, ताकि जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने के आधार पे डीए डिसाइड होता। इस संबंध में एआईबीए ने पूर्व में लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ को भी एक पत्र लिखा था, और ये मामला सामने आया था कि उस समय कि विद इन वीक ये डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि मई के लास्ट वीक तक ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा रिमाइंडर भी दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। और आज अगर हम देखें कि 31st में है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के कैलेंडर के हिसाब से आज जरूर डिक्लेयर होने की संभावना बन सकती है, लेकिन आज कल 30 मई तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिसमें सीपीआई इंडेक्स फरवरी और मार्च का डिक्लेयर किया जाए। आज होता है अकॉर्डिंगली, फिर हमारा डीए रिवाइज होके न्यू डीए आपको एरियर मिलेगा। ऐसी लापरवाही या गवर्नमेंट की क्या मंशा है, इस बारे में टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि लेबर ब्यूरो ने इसके बारे में कोई कारण नहीं बताया कि क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। दूसरी बात, हमारे बहुत साथी, हमारे बहुत ऑफिसर्स एंड सब स्टाफ, अवार्ड स्टाफ के कैडर भी पूछ रहे हैं, एक सर्कुलर 30 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड द पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड द पेंशन वेलफेयर ने जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम, एनहांसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज ऑन रीचिंग द डियरनेस अलाउंस रेट्स एट 250%, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 7 CPC रिगार्डिंग, यानी कि जो ग्रेच्युटी की लिमिट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया। इस बारे में हमारे बैंकर साथियों का क्वेरी है कि क्या ऐसा बैंक में हुआ, तो अभी बता दूं कि बैंक में हमारी जो मैक्सिमम सीलिंग है ग्रेच्युटी की वो 20 लाख हुई है, 20 से 25 लाख नहीं हुई। अभी स्टिल ये स्टेटस है, बाद में क्या होता है इसके बारे में कहना मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, ग्रेच्युटी तो नहीं बढ़ी, लेकिन अभी डीए के हिलाले पड़े हैं। देखिए, अगर आज लेबर ब्यूरो द्वारा डिक्लेयर होता है तो अकॉर्डिंगली हमारा डीए रिवाइज होगा और हमें अगले महीने में शायद एरियर के साथ मिले, लेकिन पहले डीए डिक्लेयर हो, सीपीआई इंडेक्स डिक्लेयर हो। सो वी विल वेट टुडे, एज पर द कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट इट शुड बी अनाउंस्ड टुडे ऑन 31st मई। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।